AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस बार भाजपा की जीत से बौखलाए ओवैसी ने कहा कि अगर कोई यह समझ रहा है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम 300 सीट के हिंदुस्तान पे मनमानी करेंगे तो यह नहीं हो सकेगा। वजीर आजम से हम कहना चाहते हैं, संविधान का हवाला देकर असदुद्दीन ओवैसी आपसे लड़ेगा, मजलूमों के इंसाफ के लिए लड़ेगा। मीडिया में आई इस खबर के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, हिंदुस्तान को आबाद रखना है, हम हिंदुस्तान को आबाद रखेंगे, हम यहाँ पर बराबर के शहरी हैं, किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार रहेंगे। इससे पहले शुक्रवार को असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि देश के मुसलमानों को भाजपा के सत्ता में आने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान प्रत्येक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने धर्म का पालन करें। उन्होंने कहा था, जब भारत के प्रधानमंत्री मंदिर जा सकते हैं तो हम भी गर्व के साथ मस्जिद जा सकते हैं। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने योग गुरु बाबा रामदेव पर उनके बयान पर भी तंज कसा, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की आबादी नियंत्रित करने के लिए तीसरे बच्चे को वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने योग गुरु रामदेव पर उनके बयान पर तंज कसा, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की आबादी नियंत्रित करने के लिए तीसरे बच्चे को वोट के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। वेब 23 न्यूज़ के लिए स्पेशल रिपोर्ट।